अरवल जिले के सरौती गांव में बह रही है ज्ञान की गंगा। सरौती में दिव्य आचार्य जयंती समारोह के पंचम दिन काफी उत्साह के साथ श्रद्धालुओं के द्वारा यज्ञ मंडप का परिक्रमा एवं हवन पूजन करते हुए दिखे। वैकुंठवासी पर अंकुश आचार्य जी महाराज की 159वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जन्म जयंती समारोह में मुख्य वक्ता श्री रंग रामानुज आचार्य जी महाराज अपने अलौकिक शब्दों से श्रद्धालुओं को सतमार्ग बताने का काम कर रहे हैं। श्रद्धालु काफी संख्या में उनका प्रवचन का रसमान कर रहे हैं। वहीं उप मुख्य वक्ता श्री हरिराम आचार्य जी महाराज के द्वारा भी प्रवचन किया जा रहा है। प्रवचन में भगवान के भजन भाव करने के लिए प्रेरित किया और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दिया। इनकी मधुर वाणी से सभी प्रवचन सुनने वाले स्त्री पुरुष मंत्रमुग्ध होकर कथा का श्रवण करते हैं। दिव्य जयंती समारोह में मुख्य वक्ता स्वामी रंग रामानुज आचार्य जी महाराज को भाजपा नेता श्री भास्कर कुमार जी के द्वारा अंग वस्त्र एवं फूल माला से स्वागत किया गया। इसका विषय है कि श्री राम संस्कृत महाविद्यालय और आश्रम के प्रांगण में यज्ञ का आयोजन हुआ है। परमाचार्य पक्ष में और शास्त्रों में बताया गया है यज्ञ वैश्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से बड़ा कोई कर्म नहीं है। बहुत आनंद हो रहा है और हम सभी छात्रगण यहीं से पढ़े लिखे आगे बढ़े। यही आदि काव्य जो सृष्ट है वाल्मीकि रामायण, उसी का अनुसरण अन्य महर्षियों ने किया। तो वाल्मीकि रामायण के जो एक एक शब्द हैं, एक एक वर्ण हैं, वह महापातक नाशक है। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। इसलिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने इसे अद्भुत और आदि काव्य सिद्ध किया। 16 वर्ष यहाँ पर एक से 16 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। 16 वर्ष तक वो इस भूतल पर रहे और हमारे संस्कृत का प्रत्येक मानव को सन्मार्ग पर ले चलने का प्रयास उनका सफल था। वो करते गए, वो उन्हें की हम लोग दिव्य जयंती मना रहे हैं। और दिव्य जयंती मना करके हम उनके बताए मार्गों को लाल धरण करते रहे। ये हम बोला मेरा कर्तव्य है और मैं चाहता हूँ प्रत्येक मानव महात्मा महाराज वेदों से, पुराण से, धर्मशास्त्रों से पूरे मानवोचित तत्वों का शिक्षा दी है, उपदेश दिया है, परमात्म जलने का रास्ता बताया है, उस मार्ग को कभी भूले नहीं। दीप धरती, पावन धरती है सरौती। यहाँ पर जन्म लेने वाले को तो कहना भाग नहीं सौभाग्य बन जाता है। हम भी यहीं के रहने वाले हैं तो बाकी हम तो दूसरा हम तो सौभाग्य से भाग में बदल गए हैं। हम अब दूसरे जगह चल गए बाकी फिर भी समय समय से यहाँ हम आते रहते हैं। समय समय से आते हैं, गुरु महाराज का भगवान का दर्शन करते हैं। इनके साथ बहुत समान स्नेह बहुत अभी भगवान के परिक्रमा में हम गए थे, हमको आँख से आंसू झरने लगा। कारण जब कुबेर हो गया था, कुबेर हुआ था तो हमको लगा कि हम तो बहुत पापी हैं, हम अभी भगवान के दर्शन में शामिल नहीं हुए और वहाँ तो हमको आँख से आंसू गिरने लगा। रंजन कुमार, अरवल की रिपोर्ट, R9 भारत के लिए।